यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी जी जान से लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर प्रयागराज पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 16 लाख महिलाओं को कैश स्कीम की सौगात दी। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बैंक के खाते में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इससे करीब 16 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। प्रधानमंत्री प्रयागराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुखातिब भी हुए। इसके अलावा वो आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं को सम्मानित भी उन्होंने किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये धरती मातृ शक्ति की साक्षी बनी है। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति को मेरा प्रणाम है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार खूब प्रयास कर रही है। महिलाओं के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। रुद्रप्रयाग में ठंड से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड का आलम यह है कि सुबह 6 बजे खुलने वाला रुद्रप्रयाग बाजार इन दिनों 10 बजे खुल रहा है। इसके अलावा आम जनता अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। पाले की वजह से वाहन भी जाम हो रहे हैं। ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लोगों का कहना है कि बारिश होने से ठंड से कुछ राहत मिल जाती, लेकिन अभी भी बारिश होने का कोई आसार नहीं है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग की, किस तरह से ठंड से लोग परेशान हो गए हैं। क्योंकि साथ ही आपको ये भी बता दें, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, उससे ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में ठंड से आम जनता बेहाल हो चुकी है। देखिए, ऐसा है कि कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई, जिस कारण पूरी ठंड पड़ रही है और आम जनता बाज़ारों तक नहीं पहुंच पा रही है और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अभी ये भी नहीं लगता कि बारिश आने की संभावना है, पर बहरहाल जो है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग मार्केटों में कम मात्रा में, कम संख्या में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जनविश्वास यात्रा निकाल रही है। वहीं मथुरा से शुरू हुई जनविश्वास यात्रा सोमवार को अलीगढ़ पहुंची और आज पूरे अलीगढ़ में भ्रमण किया। इस जनविश्वास यात्रा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा। तो अलीगढ़ में ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। जनविश्वास यात्रा वहां पर बीजेपी की तरफ से निकाली गई है। देखिए, पूरा आप देख रहे हैं, अलीगढ़ माननीय कल्याण सिंह जी की कर्मस्थली है और आज पूरा जन समुदाय सड़क पर उतरा हुआ है। ये उपयोगी योगी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति ये लोगों का आकर्षण है, जनता का विश्वास है। जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, सभी जगह पर जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, आज जिस तरह जनता उभर कर सड़कों पर आई है, ये जन सैलाब इस बात का परिचायक है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। औरैया में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, साथ ही मामले में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले का खुलासा कर गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से कई सामान भी बरामद किए हैं। औरैया का ये पूरा मामला है जहाँ पर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, सभी आरोपी ऑनलाइन ठगी लोगों से करते थे, जिस गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये स्वॉट टीम द्वारा बहुत अच्छा एक वर्कआउट किया गया है,
और जिस तरीके से इन्होंने ये सब बताया है कि किस तरीके से ये बैंक फ्रॉड करते हैं, इसमें कुछ बैंक्स के नाम भी सामने आए हैं जिसमें फेडरल बैंक है, कोटक बैंक, AU बैंक है, इन सभी बैंक अधिकारियों द्वारा भी हमारे द्वारा बात की जाएगी और इनसे पता किया जाएगा और इनको ये भी सुझाव दिया जाएगा कि अपने KYC जो मैकेनिज्म है उसको थोड़ा स्ट्रांग रखें। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा में जन विश्वास यात्रा के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। वहीं मंच पर पहुंचकर सलेमपुर लोकसभा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि ये उत्साह देखने के बाद ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने वाली है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं। जन विश्वास यात्रा ये बीजेपी की तरफ से निकाली गई, जहाँ पर जनता को साधने की कोशिश की और भारी संख्या में वहाँ पर लोग भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए। पूर्व प्रधान अरविंद कुमार पर हुए जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी गैर पुलिस की ओर से न किए जाने पर नाराज प्रधान संघ ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। आपको बता दें, प्रधान संघ ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर पूर्व प्रधान अरविंद कुमार पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से ये प्रधान संघ के लोग नाराज होते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरने पर वो बैठ जाएंगे। बांस को खलिहान की जमीन में बांस लगी थी, जो कि पूर्व में रुकवाया गया था उसको SDM द्वारा। वो लोग बांस काट रहे थे, जब हम वहाँ पहुँचे पूछने की जो है बांस क्यों काट रहे हैं, कोई आदेश है क्या, तो कहे तुरंत हमारे ऊपर अटैक कर दिया कुल्हाड़ी लेकर के और हसिया लेकर के तुरंत हमको मारने लगे। तो हम वहाँ से भागे तुरंत, वहाँ पर लोग आए हमको बचाने के चक्कर में, तो वो लोग उन्हें भी मार दिए। मामला ये है कि गौर थाना क्षेत्र के गोरखपुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान अरविंद राजभर के ऊपर करीब 2 सप्ताह पूर्व जानलेवा हमला हुआ और उसमें पुलिस 147, 48, 305, 504, 506 और 308 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया, लेकिन उन अभियुक्तों के घर आज तक ना तो दबिश दिया ना तो उन्हें गिरफ्तार करने कार्रवाई किया। फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक खाली ट्रक से 3 क्विंटल गांजा बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांजा उड़ीसा से लेकर आया जा रहा था, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके से पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भून दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली युवक को मार दी। साथ ही आपको बता दें, मौके से सभी बदमाश फरार हो गए। युवक की गोली लगने से उसकी हत्या कर दी गई है बदमाशों ने। तो लगातार अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है ये देखा जा सकता है। गाजियाबाद की ये घटना है, जहां पर दिन दहाड़े बाइक सवार को बदमाशों ने गोली मार दी। क्या लगते हैं आपको? दोस्त हैं। अच्छा, ऑफिस के लिए जा रहे थे, यहाँ पर इनको गोली मारी है। कौन लोग थे, कुछ जानकारी है? ये जानकारी कितनी गोली, कितनी गोली मारी गई है? 8-10 फायरिंग। 8-10 फायरिंग। तो गोली शरीर में किस जगह लगी है? उनके सर पर लगी हुई है, सर पर लगी हुई देखी मैं समय पर बाकी थे। तो उनकी मौत यहीं मौके पर हुई थी या अस्पताल में? शायद कुछ नहीं। तो किसी तरह का विवाद है, कुछ जानकारी हो आपको? ऐसे कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? भिटोरा के। भिटोरा, क्या काम करते हैं? थाना लोनी के अंतर्गत ELF चौकी के पास में एक शूट आउट हुआ है, उसमें विकास
पुत्र रामे नामक व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने उसे सूट कर दिया है, जिसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी है। हिमपुर खीरी में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार और धमकी के मामले में गोंडा के सैकड़ों पत्रकार ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने जो है धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के साथ उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की। पत्रकारों का कहना है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो वो आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं गोंडा की, जहाँ पर ये अजय मिश्र टेनी के लिए पत्रकारों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, उनकी बर्खास्तगी की मांग यहाँ पर की है। जिले के दूर दराज से आए पत्रकार बंधु यहाँ गांधी पार्क से लेके और यहाँ तक मौन जुलूस लेके जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुँचे हैं। इसका आज मौन जुलूस का मतलब था कि खीरी लखीमपुर में अजय कुमार मिश्र और टेनी द्वारा जो पत्रकारों के साथ लखीमपुर खीरी में जो दुर्व्यवहार की गई है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, इनके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यूपी में मौसम में बदलाव के चलते ठंड बढ़ गई है, वहीं सर्द हवाओं के चलने से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। इसी के चलते कानपुर देहात में भी सर्दी के प्रकोप से लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। वहीं इन बीमारियों को लेकर जिले का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। तो जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, ऐसे अब बीमारियों का सीजन भी शुरू हो गया है। लोगों में तमाम बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। बच्चों में ठंडक बढ़ गई है, इसलिए बुखार तेजी से आ रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, वायरल डायरिया टाइप के बच्चे आ रहे हैं। क्या क्या उनके गार्जियन जो हैं क्या बचाव करें, किस तरीके से बच्चों को बचाना है? ठंडक से बचाव रखना है, गर्म रखना है बच्चों को, पानी जो है उबाल के पिलाना है, ये सब बताया जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। इसी के चलते बीजेपी की ओर से कानपुर देहात के सिकंदरा में विशाल पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने शिरकत की। कल यहाँ पे जिले का पिछड़ा मोर्चा का सम्मेलन है, चारों विधानसभाओं से लोग यहाँ उपस्थित होंगे। हमारे मुख्य अतिथि हीरा ठाकुर सिंह प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, वो मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। हरिद्वार में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत बीजेपी से विधायक सुरेश राठौर और उनके हजारों समर्थकों की तरफ से किया गया। इस दौरान समर्थकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड में 2014 में बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा शुरू की गई थी, जिसका परिणाम ये निकला कि परिवर्तन तो हुआ और बीजेपी सरकार बनाने में वहां पर कामयाब हुई। आज जो जन सैलाब के रूप में सारे कार्यकर्ता अभिनंदन के लिए आए हैं, ये संकेत है कि पहले से ज़्यादा 3 गुना मतों से हम जीतने वाले हैं, ये संकेत इस बात का सूचक है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, पुष्कर सिंह धामी की योजनाएं, सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान, आज प्रत्येक गरीब परिवार को फ्री में अनाज बांटना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर आवास उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराना और उन लोगों को गैस निःशुल्क बांटना जिन लोगों की आंखों में धुआं लगता था, गरीब थे, दबे कुचले थे, समाज के सभी वर्गों के विकास की दृष्टि से आज जो हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीएम कालाडूंगी रेखा कोहली, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और तहसीलदार प्रियंका रानी ने कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान एसडीएम कोहली ने कहा, एक छोटी सी भूल चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और गाइडलाइन को सही से समझ लें ताकि चुनाव के दौरान किसी भी परेशानी से बचा जा सके। साठ कालाडूंगी हमारी विधानसभा में हमारे द्वारा 6 जोन बनाए गए हैं और 15 सेक्टर्स बनाए गए हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग सेशन आज यहाँ पे हम लोगों ने रखा था। हमारी जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। इनकी ट्रेनिंग्स हुई है और इनको अपने जाके अपने सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं, क्या हमारे क्रिटिकल हैं, क्या वल्नरेबल हैं, ये इनको वहाँ पर जाकर देखना है। और हमारे जो पोलिंग बूथ हैं उसमें हमारी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इनको सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं। आज हमारे सभी यहाँ पे कर्मचारी उपस्थित हैं और अब जाके अपनी ये लोग वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे। आज से ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर गौ कथा का आयोजन शुरू किया जा रहा है। इस कथा को गौ कथा के प्रसिद्ध वाचक गोपाल मणि की तरफ से त्रिवेणी घाट पर किया जा रहा है। गोपाल मणि का कहना है कि इस देश में गाय को माता के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको पशु समझकर इसका तिरस्कार करते हैं। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय पशु राष्ट्र माता के नाम से प्रामाणिकता दिए जाने की भी बात कही है। इसका संदेश है कि हम इस देश के अंदर गाय को पशु समझ रहे हैं, जबकि हमारे वेद पुराण धर्म उपनिषद रामायण महाभारत गाय को कहीं पर भी पशु की संज्ञा नहीं देते, पशवो न गावः। तो यहाँ पर सप्तदिवसीय ये जन जागरण अभियान धेनुमानस गौ कथा, इसको एक दिव्य नाम दिया गया है और इसका सप्तदिवसीय आयोजन यहाँ पर हो रहा है और इसके माध्यम से जो जनता है, जनार्दन है, उनको ये समझाया जाएगा कि भारत का धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ संबंध गाय से है और आज गाय को इस देश के अंदर पशु के रूप में देखा जा रहा है। जब तक इस देश में गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं मिलता, तब तक इस देश को चैन और सुख शांति नहीं मिलेगी। दिनेशपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला लेकर नगर क्षेत्र में जुलूस के रूप में निकाला गया और अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को गिद्ध शब्द से संबोधित किया था, जिसे लेकर अरविंद पांडे का पुतला दहन किया गया है। की बात है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए माननीय श्री यशपाल आर्य को गिद्ध कहकर संबोधित किया। उसने ये कहा कि गिद्ध चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, उनकी नज़रें सड़ी गली चीज़ें पर रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन इतने ओछी स्तर की राजनीति नहीं कीजिए। बहुत निंदनीय कार्य है जो कल अरविंद पांडे ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देते। उनको ये शब्द कहकर उन्होंने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। उन्होंने यशपाल आर्या जी की बेइज्जती नहीं की, उनकी खुद की बेइज्जती है जो उन्होंने कल ये शब्द प्रयोग किया यशपाल आर्या जी के लिए। अरविंद पांडे जी ने जो अमर्यादित भाषा बोला है, ये उनके लिए शोभनीय नहीं है। ऐसी भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। एक मंत्री है, ML है, इस तरह की भाषा जो किसी के लिए बोला गया है, ये बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, आज 10 साल होने जा रहे हैं यहाँ के MLA मंत्री सब कुछ है, उसके बाद भी ये शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री है। आज हमारे शिक्षा विभाग की जो हाल है बहुत बुरा है। उद्धम सिंह नगर के नानक मत्ता में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस पर नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसी को लेकर हमने प्रशासन से निवेदन किया था कि अपनी मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराएं। इसी को लेकर कमेटी के ही कुछ पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी को 4 हफ्ते में चुनाव सम्पन्न करवा की बात कही है। मैं समूह संगतों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 22 सितंबर को कमिश्नर साहब को निवेदन किया था चुनाव के लिए, उन्होंने ADN साहब नियुक्त कर दिया था चुनाव अधिकारी और उन्होंने अपनी प्रक्रिया आरंभ कर दी थी, उन्होंने सभी जो पेपर कॉर्ड था वो मंगा लिया था और हमारे कुछ साथियों ने हाईकोर्ट में जाकर आपत्ति दर्ज करी कि इनको चुनाव दल का अधिकार नहीं है।
तो अब हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि ये एडीएम साहब को कि ये इलेक्शन 4 हफ्ते में सस्पेंड कराई जाए, और जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता है, जो पुरानी कमेटी है एज ए कार्यकारी तौर पर वो जहाँ का काम देखती रहेगी। उद्धम सिंह नगर के नानकमत्ता में भालू के हमले में घायल युवक को इलाज के लिए नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। नानकमत्ता के ग्राम सभा कैचुलिया निवासी युवक अपने रिश्तेदारी में जा रहा था, तभी अचानक गन्ने के खेत से भालू ने साइकिल सवार युवक पर हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति के हाथ और पैर में चोट लग गई है, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए नानकमत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। जी, एक मरीज आया था हमारे पास जिसको भालू का चोट के लिए बताया गया था, 108 वाले उसको लेके आए थे, तो अभी उसको हम लोग ने देखा है, इलाज उपचार करके उसको आगे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, एक्सरे वगैरह और आगे की जांच के लिए।